हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी फॉर योर टमी। आज हम किचन में बना रहे हैं पेरी पेरी सैंडविचेस, जो कि बहुत इजी रेसिपी के साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बोनलेस चिकन। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन पे कांटे की मदद से हम इसे होल कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला अंदर तक चला जाए। अगर आपके पास हमार नहीं है तो आप कांटे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम रिज़ल्ट आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमार होगी तो हम चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं या उसे होल कर सकते हैं, आप कांटे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट होता है। तो हमने यहाँ पर चिकन बोनलेस ली है, उसे हमने कांटे की मदद से, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी वैसे कीजिएगा तो अंदर तक मसाला बिल्कुल जूसी सी चिकन रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने सबको कर लिया है। अब यहाँ पे मैं पेरी पेरी सॉस रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप मैंने रेड शिमला मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून प्याज ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, जूसर में अब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि चिकन के हर एक पीस में अंदर तक मसाला जाए और जूसी सी चिकन रेडी हो। तो आप इसे चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रख रही हूँ इसे मैरिनेट कर, कवर करके रख दीजिएगा 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन लूँगी, आप चाहें तो इसे ओवन में भी पका सकते हैं, फ्राई पैन में भी पका सकते हैं। पहले सबसे पहले हम चिकन के पीसीस रखेंगे, सारी सॉस ऐड नहीं करेंगे इसमें। जब कलर चेंज कर ले चिकन तो आप हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बाकी जो सॉस बची थी, आप हम इसमें वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जब कलर चेंज हुआ, जब मैं ऐड कर रही हूँ उसमें सॉस। सॉस ऐड करने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो चिकन अच्छे से अंदर से गलेगी नहीं। आप देख सकते हैं पेरी पेरी चिकन रेडी हो गई है। अब हम इसे रफली सा चॉप कर लेंगे, इसे बारीक नहीं करना है, रफली सा चॉप करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी पेरी पेरी चिकन रेडी हो गई है। अब हम पेरी पेरी सैंडविच सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून रेड शिमला ली है, 3 टेबलस्पून येलो वाली शिमला ली है और 3 टेबलस्पून चॉप खीरा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मायो। मायो ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बन यूज़ कर रही हूँ और ऊपर से इनका कैप कट करूँगी। आप देखें मैं कैसे कर रही हूँ और कैसे रिमूव कर दूँगी और इसे अच्छे से फिंगर से मैं अंदर से टैप करूँगी ताकि जो अंदर का जो ब्रेड है वो साइड्स कॉर्नर्स पे हो जाए और बीच में से एक अच्छी सी स्पेस हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर सैंडविच सॉस ऐड करूँगी। सैंडविच सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, आप चाहें तो लेटस भी यूज़ कर सकते हैं, आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन लीव्स यूज़ कर रही हूँ चॉप हुए, हम वो ऐड करेंगे।
ग्रीन लीव्स के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी अंदर स्पेस है कि आराम से हर चीज़ फिल हो रही है। ऐसे ही सारे हम फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं यमी से पेरी पेरी सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।